नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। मोदी बोले, घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है। बीना ने कहा, गांधी के आखिरी शब्द थे हे राम, वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। अनंतनाग में सेना आतंकियों के बीच लगातार दूसरे दिन फायरिंग, दो दहशतगर्दों को घेरा। बिहार की बागमती में नाव डूबी, 30 बच्चे सवार थे, स्थानीय लोगों ने 20 को बचाया, 10 अब भी लापता। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, विशेष सत्र में मौजूद रहने का दिया निर्देश। बिहार में गले में फंदा लगाकर महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 38 लाख रुपए के सोने के साथ शख्स गिरफ्तार। जेल में नायडू से मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने कहा, जेएसपी टीडीपी करेंगे चुनावी गठबंधन। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान में युवा बेरोजगारों ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की शिष्टाचार भेंट। सीएम अशोक गहलोत ने कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि का किया निरीक्षण। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, प्रेम प्रसंग, माता पिता के दबाव में आत्महत्या करते हैं छात्र। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा, पलवल जिले में हर दो दिन में 3 लड़कियां हो रही लापता। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। सोनी राजदान और महेश भट्ट के जवान देखने पर शाहरुख ने कहा, अभी और फिल्में आएंगी। नुपुर शिखरे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है आमिर खान की बेटी ईरा। सिंपल सलवार सूट में एयरपोर्ट पर दिखी कैटरीना कैफ। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। FIBA महिला विश्व रैंकिंग में अमेरिका ने बढ़त बरकरार रखी, चीन दूसरे स्थान पर। वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, अब से नेक गार्ड पहनना होगा जरूरी। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से तीसरे वनडे हारा, लेकिन बोल्ट चमके। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। सीमेंट की मांग में कमी आने की आशंका। सितंबर में भारत रहा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। अमेरिका में महिला ने एप्पल एंड्रॉइड को विटामिन समझकर निगल लिया। दक्षिण दारफुर एयर स्ट्राइक में 40 लोग मारे गए। लेबनान के फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में फिर हिंसक झड़प, 7 की मौत। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।